दोस्तों बचपन में हम सबके दादा दादी या नाना नानी ने एक कहानी सुनाई थी कि कौवा कान ले गया तो लोग कौवे के पीछे भागने लग जाते थे, लेकिन एक बार भी अपने कान पर हाथ डालने की जहमत नहीं उठाते थे। और उस कहानी को आज पूरी तरीके से आप सच होते हुए देख लीजिए, क्योंकि ये हाल आज हमारे देश के चौथे स्तंभ यानी मीडिया का हो गया है। आज कौवा कान ले गया ये तो नहीं है, लेकिन सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा का नारा जरूर सुनाई दे रहा है। और ये नारा अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि स्क्रिप्टिंग में कहानी लिखने के लिए बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है और मजाक बनाकर लोगों को, एक विशेष समुदाय को, स्पेशली मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी साजिश रची जा रही है, और वो भी बाकायदा एकदम फिल्म की कहानी की तरह। आज सस्ती लोकप्रियता, सोशल मीडिया पर वायरल होना, हेडलाइन में आना, इंटरव्यू देना, लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं लोग, और ऐसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ऐसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं जिनको देखने के बाद जिसे यकीन नहीं होना होगा उसे भी यकीन हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर साहब हैं अकेला, उनको धमकी मिली थी अमेरिका से कि सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा, लेकिन अब वो डॉक्टर साहब खुद वाकई अकेले पड़ गए हैं और इतने ज्यादा अकेले पड़ गए हैं कि उनकी कहानी ने भी अब उनका साथ नहीं दिया है। लेकिन मीडिया ने जो अपना काम बखूबी निभाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। किसी चीज की जांच पड़ताल नहीं, किसी भी चीज पर कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया, कुछ मैसेजेस दिखा दिए, उसके बिहाफ पर पूरे के पूरे गोदी मीडिया ने ऐसा ट्रायल शुरू किया जैसे ये लगने लगा कि अमेरिका खुद अब एक आतंकवादी देश बन गया है, अमेरिका की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और अमेरिका भारत में रहने वाले लोगों पर जो हिंदुओं की सहायता करते हैं, स्पेशली मुसलमान हैं, उन लोगों को अब धमकियां मिलने लग गई हैं। यानी कितनी अच्छी स्क्रिप्टिंग की गई थी डॉक्टर साहब की तरफ से, और उनका जो धंधा बंद हो गया था उसके बाद सस्ती लोकप्रियता पाने का सबसे अच्छा उन्होंने जो ये नफरत का तरीका आजमाया वो वाकई पूरी तरीके से कामयाब भी हुआ, और इनमें पूरा साथ दिया गया एक्शन कैमरा रोल देते हुए मीडिया की तरफ से। सारे के सारे मीडिया संस्थानों में सिर्फ एक ही खबर, एक बार फिर सरतन से जुदा, एक बार फिर सरतन से जुदा, और अब किसे मिली है डॉक्टर को धमकी, क्योंकि वो हिंदुओं की मदद करता है। और अब कहानी पूरी की पूरी पलट गई है, क्योंकि ये घड़ियाली आंसू बिल्कुल घड़ियाली ही निकले हैं और इनकी पूरी कहानी झूठी निकली है। इसको अब कुछ लोगों ने छापा है, चंद कुछ ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने छाप कर बताया है कि वाकई इन्होंने जो है डॉक्टर अकेला इन्होंने झूठ बोला था, और इनका झूठ अब खुद गाजियाबाद पुलिस ने उजागर कर दिया है और बता दिया है कि ये डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ अपना पब्लिसिटी स्टंट इस्तेमाल कर रहा था और अपने आप को वायरल कराना चाह रहा था। आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन बनने के लिए वाकई लोग कितने वाहियात और घटिया तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और एक समुदाय को बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं वो वाकई बहुत शर्मनाक है, और यही किया है इन्होंने जो ये अकेला साहब है जिनको आप स्क्रीन पर रोते हुए देख पाएंगे। अब इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, अब आंसू से इनके टब भी भर जाएंगे, बाल्टियां भी भर जाएंगी, सब भर जाएगा, लेकिन यही आंसू तब इनके बड़े अच्छे-अच्छे और ज्यादा निकल रहे थे जब इन्होंने दूसरों पर एफआईआर करने की बात की थी और केस भी दर्ज हो गया था, ये देखिए। लेकिन जांच पड़ताल वो तो शुक्र मानिए कि अच्छे से हुई और सारी की सारी इनकी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई कि कैसे ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बदनाम करने का एक पूरा तरीका अपना था इन्होंने, और खुद को वायरल करने का, और खुद ये बात इन्होंने कबूल कर ली है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं ये जो खंडित किया गया है ये पूरी खबर को, जो अभी 3-4 दिनों पहले खूब ज्यादा वायरल हो रही थी और बताया जा रहा था कि कैसे जो है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की मदद करते हैं, हिंदू मरीजों का इलाज करते हैं, इसलिए इनको जो है धमकी मिल रही है कि अब तुम्हारा भी कन्हैया लाल और उमेश कोले वाला हाल किया जाएगा। सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, ये ट्वीट है प्रिया सिंह का। प्रिया सिंह लिखती हैं, और ये वीडियो भी आप स्क्रीन पर चलते हुए ही देखिएगा, और इसमें लिखा गया है ट्वीट करते हुए कि ये डॉक्टर अरविंद अकेला है, गाजियाबाद में रहते हैं, डॉक्टर साहब ने FIR कराई कि उन्हें सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है, पुलिस ने जांच में पाया कि डॉक्टर साहब ये सब कर रहे थे लोकप्रियता
बटोरने के लिए पुलिस अब डॉक्टर पर एक्शन ले रही है और ये आंसू बहा रहे हैं, ये लिखा गया है। और इसके बाद जुबैर ने भी इस पूरी घटना पर जो है अपना अपडेट दिया है। फैक्ट चेकर जो हैं जुबैर और पत्रकार भी हैं, इन्होंने शुभांकर मिश्रा जो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हैं और ख़ुद को एक अच्छा देशभक्त बताने के साथ साथ सारे जितनी भी घटनाएं होती हैं सब पर इतनी बेबाकी से बोलते हैं कि खुद ही भूल जाते हैं कि ये झूठी खबरों को बताते हैं लोगों को, झूठी खबरें फैलाने का एजेंडा बन चुके हैं, अब ये भी एक मोहरा हो गए हैं झूठी खबर फैलाने का। इसी खबर को शुभांकर मिश्रा ने जो ट्वीट किया था कि अब गाजियाबाद में डॉक्टर को मिली सर तन से जुदा की धमकी, और ये 5 दिन पहले का ट्वीट है। डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला को उदयपुर और अमरावती की तरह सर तन से जुदा की धमकी दी गई, और बाकायदा ये पूरा इंडिया टुडे पर पूरा पूरा बुलेटिन चला था, डिबेट पर डिबेट हुई थी। और मोहम्मद जुबैर ने इसी को खंडित करते हुए लिखा है कि पुलिस अपडेट, पुलिस जांच में पता चला कि डॉक्टर ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए दी थी फर्जी सूचना, पुलिस अब डॉक्टर पर एक्शन ले रही है। हेलो शुभांकर मिश्रा, प्लीज एक्सपोज डॉक्टर, ये डॉक्टर को एक्सपोज करने के लिए जुबैर बोल रहे हैं। और ये जो अभी हमने ट्वीट पढ़ा है शुभांकर मिश्रा का, इन्होंने कितनी जो है कॉन्फिडेंस के साथ, और पूरी मीडिया में यही खबर चल रही थी कि डॉक्टर को धमकी मिली है, डॉक्टर को धमकी मिली है, और डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसको धमकी दी जा रही है क्योंकि वो लोगों का इलाज करता है। अब गाजियाबाद पुलिस का जो पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया है, बताया गया है कि कैसे उन्होंने इस घटना का खुलासा किया है, वो आपकी स्क्रीन पर है। ट्वीट, थाना सिहानी गेट क्षेत्र अंतर्गत निवासी डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला को मिली व्हाट्सएप पर धमकी की फर्जी, घटना का साइबर सेल एसओजी एसपी सिटी 1 एवं थाना सिहानी गेट पुलिस ने किया सफल खुलासा। डॉक्टर द्वारा लोकप्रियता हासिल करने के लिए दी गई थी फर्जी सूचना, विस्तृत प्रेस नोट इन्होंने जारी किया है, गाजियाबाद पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। प्रेस नोट भी 3 पन्नों का है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद अभी जो 5 दिनों से पूरा का पूरा खेल शुरू हुआ था, और गोदी मीडिया ने ऐसा दिखाया था कि मान लीजिए कि सारे जितने भी मुसलमान हैं ना, एक की वजह से जो एक जिसने गलती की है उसकी सजा पूरे के पूरे कौम को देने पर उतारू हो गए हैं। और इन्हीं की तरफ से जो ये खबरें दिखाई गई थी उसका कुछ स्क्रीनशॉट हमने कलेक्ट किया है, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आज तक का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर, पूरा लिखा है गाजियाबाद, सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली तो बोले डॉक्टर हिंदू हूं इसलिए धमकी दी जा रही है। जागरण पे आ जाइए, गाजियाबाद में डॉक्टर के बाद अब मीडिया कर्मी को भी मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी, ये जागरण की तरफ से 2 दिन पहले की खबर है। और आज तक जो है दोबारा से वही खबर एक जो है कोट करते हुए लिखते हैं कि डॉक्टर को अमेरिका के नंबर से मिली सिर तन से जुदा वाली धमकी। जनसत्ता लिखा हुआ है कि गाजियाबाद के डॉक्टर का दावा, मिली सिर तन से जुदा की धमकी, कहा मोदी योगी भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, ये लिखा गया है। और आज तक की तरफ से ये खबर लिखी गई है कि सिर तन से जुदा करने वाली धमकी निकली फर्जी, अपने ही बुने जाल में फंसा डॉक्टर। अब इन्होंने सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट कर दिया, और उसके पहले जो लिखा गया था वो ये था कि जो है कैसे हिंदुओं की सेवा करने पर, हिंदू संगठनों की सेवा करने पर इनको जो है धमकियां मिलती हैं, और ये फिर से सर तन से जुदा वाला नारा निकल गया है। अब दैनिक भास्कर की तरफ से भी ये खबर छाप दी गई है, लिखा गया है कि डॉक्टर को सर तन से जुदा धमकी निकली झूठी, मरीज के वर्चुअल नंबर को थ्रेट कॉल और सूजे पैर को बताया कटा पैर, ये लिखा गया है। यानी इन्होंने पूरा पूरा एकदम भंडा फोड़ कर दिया इनका कि जो है कैसे इन्होंने झूठ बोला था, जो पैर सूजा हुआ था उस पैर को कटा हुआ पैर बता दिया था, और थ्रेड कॉल को जो है मरीज, इनका खुद का मरीज था उसने इनको कॉल की थी, और उसने ही अपनी ये जो डीपी लगाई थी मुंह को बंद करते हुए, आप उसको जो है दूसरे लिबास के तौर पर भी देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि मरीज के वर्चुअल नंबर को थ्रेड कॉल बताया, मरीज के नंबर को इन्होंने बता दिया कि अमेरिका से इनको धमकी मिल गई है, और धमकी ये दी जा रही है कि आप जो है वो
मदद करते हैं लोगों की, इसीलिए हम आपको वहीं पहुंचा देंगे जहां पर कन्हैया लाल और उमेश कोले को भेजा गया है, ये इन्होंने बताया। अब ये दूसरा जो अभी छापी गई है ईटीवी की तरफ से, इन्होंने भी पूरी खबर बता दी है। लिखा है, फेमस होने के लिए डॉक्टर ने खुद को दिलवाई धमकी, कहा था आतंकी मुझे मार सकते हैं। ये डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला हैं जो इन्होंने पूरी जो घटना थी वो बताई कि कैसे हमने जो है हमारा धंधा जो है नहीं चल रहा होगा, तो इसलिए इन्होंने पूरी की पूरी कहानी लिख दी और उसमें ऐसा मिर्च मसाला डाला जिसका आधे से ज्यादा क्रेडिट जो है वो खुद गोदी मीडिया को जाना चाहिए, क्योंकि जैसे एक्शन कैमरा बोला जाता है वैसे के वैसे ये लोग जैसे सारे कैमरे अपने घुमा देते हैं सर तन से जुदा की तरफ, जैसे ही कोई झूठी खबर भी फैला दे तो सारे के सारे आतंकवादी घोषित करने पर लग जाते हैं और बताने लग जाते हैं कि ये देखिए कितने मजलूम, कितने मासूम, कितने अच्छे हैं, लेकिन बाद में जब उनके आंसुओं का पता चलता है कि कितने घड़ियाली और झूठे आंसू हैं, तब इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। अब इस पर ना कोई बुलेटिन किया जाएगा, ना कोई ब्रेकिंग दी जाएगी और ना ही इनकी तरफ से बताया जाएगा कि ये पूरा का पूरा झूठा मामला था, सिर्फ स्क्रिप्टिंग करके एक कहानी को अंजाम दिया गया था, क्योंकि नफरत बांटने में किस तरीके से लगे हुए हैं आज लोग, हर किसी चीज पर सिर तन से जुदा ऐसा हो गया है कि एक नारा हो गया है और पूरी एक फिल्म की तरह जैसे मूवी बनाई जाती है, डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर खुद सबके सब खुद बन गए और उसके बाद इस पूरी कहानी को अंजाम दे डाला, लेकिन जरा सा भी इनके दिल में डर नहीं बैठा, न कानून का न संविधान का, कि जब इनकी कहानी बाहर आ जाएगी तो इनका क्या हाल होगा और इन पर क्या-क्या केसेस लगेंगे और कैसे इनको जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, इस चीज का जरा सा भी इनके अंदर डर नहीं रह गया। और आपको बता दें कि अब अकेला साहब के ऊपर जो है धारा 182 के तहत कार्रवाई की जाएगी और इन्होंने जो हरकत की है वो ये लोगों को सबक देती है कि किसी के कहने पर आप इतनी जल्दी भरोसा मत करिएगा। और जो ये सिर तन से जुदा का ट्रेंड चला दिया गया है बिना वजह बदनाम करने का और उसके पीछे की कहानी सुनने के बजाय मीडिया भी वही कौवा कान ले गया ये वाली कहावत पर बैठ जाती है और कौवे के पीछे भाग पड़ती है, लेकिन ये नहीं देखती है कि इसके पीछे का तथ्य क्या है, लोग इस तरीके का क्यों कर रहे हैं, वाकई धमकी मिली भी है कि नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ फर्जी खबर चला रहे हैं। अब इस तरीके की घटनाओं पर भी सावधान रहने की जरूरत है और आप भी आगाह हो जाइए, क्योंकि इस तरीके की फर्जी घटनाओं का खुलासा जब पुलिस प्रशासन खुद करता है तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है और ये बताता है कि कैसे लोग अपने फायदे के लिए एक विशेष समुदाय का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।